फिरोजाबाद आज सुबह लगभग 9 बजे नगर विधायक मनीष असीजा को सूचना मिली कि लाइन पार्क क्षेत्र में CVM स्कूल के सामने वाली गलियों चारबाग मोहल्ले में डायरिया के प्रकोप के चलते 10 या 12 नागरिकों की तबीयत बिगड़ गई है। मौके नगर विधायक रवाना होने के साथ साथ जिलाधिकारी नगरायुक्त एवं CMO को फोन द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। क्षेत्र में घर घर चारपाई बिछ गई थी और उल्टी दस्त से निधाल एक एक पीड़ित को 8 या 10 सलाइन वाटर ग्लूकोज की बोतलें चढ़ चुकी थी। मौके पर बुलाई जलकल की टीम ने पानी के कनेक्शन की लीकेज के कारण गंदे पानी की सप्लाई, भीषण गंदगी और बड़े पैमाने पर डायरिया फैलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग तक सूचना नहीं पहुंच पाने के चलते डायरिया को पांव पसारने का मौका मिल गया। डायरिया प्रभावितों को तत्काल राहत हेतु डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्र में कैंप आरंभ कर दिया है। जलकल की टीम गंदे पानी के संयोजनों को दुरुस्त करने में लग गई है। सफाई एवं दवा छिड़काव का कार्य आरंभ करा गया है। नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया, भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी नगरायुक्त एवं CMO की संयुक्त कमेटी का गठन कराने की अपेक्षा की गई है। उक्त संयुक्त टीम परस्पर समन्वय करते हुए नगरीय क्षेत्रों में सतत निगरानी अभियान चलाए, जिसमें नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, जलकल विभाग, शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि गंदे पानी की सप्लाई, बीमारी फैलने आदि समस्याओं की सघन निगरानी एवं त्वरित बचाव की कार्रवाई करे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। इनको परसों से उल्टी दस्त, वो पानी की दिक्कत हुई थी, पानी की उल्टी दस्त। कहाँ के कितने लोग आए हैं आज यहाँ पे? हमारे मोहल्ले के 8-9 लोग हैं, 9 पेशेंट। वहाँ और भी लोग हैं वहाँ पे? हाँ और भी है, और भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए हैं, कुछ प्राइवेट चिकित्सालयों का एडमिट है। कहाँ की बात है ये? चारवा ग्राम नगर चारवा थाना लाइन पर। उसका डायरिया हो गया? लेना आ रहा हो गया।